दिल्ली में अब कोरोना और ओमिक्रॉन डराने लगा है। जिस तरह कोरोना की पहली लहर से लोगों में डर बैठ गया था, वो ही माहौल अब बनता जा रहा है। ये हम नहीं, कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले बता रहे हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होता जा रहा है। आपको बता दें, अब तक 750 से ज्यादा डॉक्टर भी कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली के 6 प्रमुख अस्पतालों में कम से कम 750 डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश को हल्के लक्षण हैं, जिसके बाद सभी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। एक साथ इतने मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से कामकाज प्रभावित हुआ है। अस्पतालों को नियमित क्लिनिक और सर्जरी को बंद करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें लगभग 350 रेजिडेंट डॉक्टर इस समय आइसोलेशन में हैं। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल 1800 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 142 कोविड संदिग्ध हैं। कुल 1800 मरीजों में से 1442 दिल्ली से हैं और 176 दिल्ली के बाहर से हैं। इनमें से 440 मरीजों को ऑक्सीजन स्पोर्ट पर रखा गया है, जिसमें से 44 मरीज गंभीर स्थिति में हैं और 310 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं।